आज पूरे भारत में हर बच्चे को साक्षर बनाने की बात चल रही है, तभी स्कूलों में यह संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी बच्चा निरक्षर न रहे, सभी बच्चों को साक्षर बनाया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के भूपेश मंत्रिमंडल के एक मंत्री कवासी लखमा ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वे मात्र साक्षर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने औपचारिक रूप से सिर्फ मैं कहा और इसके बाद मंत्री खुद शपथ पढ़ते रहे, जबकि कवासी लखमा के लिए एक एक शब्द पढ़ना पड़ा। लखमा राज्यपाल के शब्दों को दोहराते रहे। अब सोचने वाली बात यही है कि ऐसे मंत्री भला अपने विभाग के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे, क्योंकि जब उनके पास मंत्रालय की फाइलें आएगी तो क्या वे उसे पूरा पढ़ पाएंगे। सवाल इसी बात का है कि क्या ऐसे व्यक्ति को जो कि साक्षर ही नहीं है मंत्री बनाना जरूरी है, और ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाने के बाद भूपेश बघेल समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम बच्चों को तो साक्षरता का संदेश दे रहे हैं लेकिन हमारे जो मंत्री हैं वो साक्षर नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं।